हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके आज हम लोग आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं नरेशन चैप्टर को तो ये नरेशन चैप्टर का पार्ट टू है इस चैप्टर का लगभग फोर्थ वीडियो आ सकते हैं आप लोगों के पास तो ये पार्ट टू को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं पिछले क्लास में हम लोग चेंज ऑफ रिपोर्टिंग भर्ब को देखे थे ठीक है अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने समय हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने से उसके प्लेस पर क्या क्या यूज क्या क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग ठीक है आइए फर्स्ट पॉइंट देखिए इन एसेटिव सेंटेंस पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था एसेटिव सेंटेंस क्या होता है इंट्रोगेटिव क्या होता है या फिर ऑप्टेटिव क्या होता है ठीक है या इम्पेरेटिव क्या होता है तो आप लोग समझ जाइएगा इन एसर्टिव सेंटेंस ठीक है या फिर स्टेटमेंट वाला हो या फिर सिंपल सेंटेंस को ही एसेटिव बोलते हैं अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस में हो तो आप क्या कीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पर डेट का यूज कीजिएगा ठीक है डेट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके डेट का यूज करेंगे कब जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर चले जाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट देखिए इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस मींस जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है वो तो इन द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा सेंटेंस अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है जैसे देखिए डू हुआ डिड हुआ इज हुआ आर वॉज वेयर कैन मे एटीसी ये सब जो हुआ ऑक्सिलरी भर्व हुआ ठीक है या ये सेंटेंस में हेल्पिंग भर्व के तौर पर भी यूज होता है ठीक है इसी को हम लोग ऑक्सिलरी भर्व बोलते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ये सब अगर ऑक्सिलरी ऑग्जिलरीव आ जाए क्वेश्चन के फॉर्म में तो वहां पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए इन सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स ठीक है ये हम लोग इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का ही देख रहे हैं अगर इंटरोगेटिव में ऑगजिलरी भरवाए तो हम लोग इन्वर्टेड को के इफ या फिर लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड ही आ जाए जैसे डब्ल्यू एच वर्ड जिसको कहते हैं जैसे हु वाई वर्ट वेर इट इगर क्वेश्चन वर्ड ये वाला सब आ जाए डब्ल्यू एच वर्ड वाला तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं इसी के साथ जो भी वर्ड आया आपका डब्ल्यू एच वाला डब्ल्यू एच वर्ड ही आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ठीक है इन्वर्टेड कॉमा आर रिप्लेस बाय क्वेश्चन वर्ड इट सेल ओके नेक्स्ट देखिए इन देखिए इन इंपेरेटिव सेंटेंस टू और नॉट टू इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा imperative सेंटेंस क्या होता है पिछले क्लास में बताए थे जहां जिस सेंटेंस में मूड का शो हो ठीक है किसी का मूड शो हो ठीक है जैसे कोई बोला प्लीज ओपन द डोर ठीक यहां पर क्या हो रहा है कोई आपसे कुछ रिक्वेस्ट करे या आप किसी को ऑर्डर दे दिए तो ये सब सेंटेंस चला जाता है imperative में अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो आप लोग इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का या फिर नॉट टू का यूज करेंगे ठीक है चलिए इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पिछले क्लास में बताए थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है जिसके लास्ट में ये वाला एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो समझ जाइएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए तो आप लोग इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे डेट का यूज करेंगे ठीक है समझ में आ गया नेक्स्ट देखिए इन ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस पिछले क्लास में भी बताए थे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है जिस सेंटेंस में किसी को विस या प्रे किया जाए किसी चीज के लिए वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप लोग इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर डेट का यूज करेंगे इन ऑप्टेटिव सेंटेंस डेट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को तो हम लोग रिपोर्टेड चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा देख लिए पिछले क्लास में हम लोग चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच देखे थे रिपोर्टिंग भर्ब देखे थे ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं चेंज ऑफ टेंस पे ठीक है देखिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते समय हम लोग दो चीज देख ली एक तो पहला था रिपोर्टिंग भर्ब दूसरा हुआ इन्वर्टेड कॉमा अब थर्ड है टेंस जो कि सबसे मेन चीज है ठीक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हुए जब हम लोग ले जाते हैं चेंज करते हैं तो टेंस का चेंज होना कंपलसरी है ठीक लेकिन टेंस कहाँ और कौन कौन सा टेंस किस में चेंज होगा उसको हम लोग अभी आराम से समझते हैं आइए इफ द रिपोर्टिंग भर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज सबसे पहले तो आपको यह बात हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग भर्ब रिपोर्टिंग भर्ब किसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है ठीक है अगर आपका रिपोर्टिंग भर्ब प्रजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो आपका जो आगे रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला उसमें यानी उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा ही सेज टू मी आई नो यू ठीक है तो ही सेज टू मी यहाँ आप देखिए यहाँ पर सेज है ठीक है सेज यहाँ क्या शो कर रहा है आपको सेज शो so कर रहा है आपको प्रेजेंट टेंस तो वही चीज का यहाँ कहा जा रहा है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड के बाहर वाला अगर प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इन्वर्टेड कुमार के अंदर वाला उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा टेंस में ठीक है तो यहां देखिए ही सेज टू मी है तो ये एक प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो से का टेल्स होगा ठीक है लेकिन आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंजेस नहीं आएगा आई नो यू है तो उसका इन्वर्टेड इनडायरेक्ट uh, में ही नोज मी हो जाएगा ठीक है इसको सिखाएंगे कैसे चेंज होता है पहले पूरा सीख पहले पूरा देख लेते हैं कि कैसे कि इसको चेंज करते हैं लेकिन यहां देखिए आप ये भी आई नो यू एक आपका प्रजेंट है सिंपल प्रजेंट टेंस है तो अगला जो आपका इनडायरेक्ट में आया ही नोज मी ये भी सिंपल में ही आया ठीक है इसको हम लोग चेंज नहीं करें लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए हमेशा उसको आप लोग पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं ठीक है थेके? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी विल से टू मी आई नीड योर हेल्प ठीक है यहाँ देखिए विल आ गया यानी ये क्या है फ्यूचर टेंस शो कर रहा है तो अगर आपका रिपोर्टिंग भर फ्यूचर टेंस रहे तो आप क्या पढ़े हैं? तो आपका आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस है उसमें कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं आएगा ठीक तो है तो इसलिए अंदर आई नीड योर हेल्प एक सिंपल प्रजेंट टेंस है सी नीड्स माई हेल्प ये भी सिंपल प्रजेंट में ही रह गया ठीक है कोई भी टेंस में चेंज नहीं आया लेकिन यही अगर आपका यहाँ पर सेड टू मी रहता विल नहीं होता बल्कि सी सेट टू मी रहता एस ए आई डी तो वो पास्ट कहलाता तो आपका यहाँ पर आई नीड योर हेल्प है तो यहाँ पर आपका टेंस में चेंज हो जाता ठीक है चलिए आगे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस एज ठीक है तो आपको क्या बताए पहले कि अगर रिपोर्टेड बर्ब आपका रिपोर्टिंग बर्ब प्रजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा चेंज नहीं होता है लेकिन अगर रिपोर्टिंग भर्ब आपका पास्ट टेंस में आ जाए ठीक है रिपोर्टिंग भर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है वो अगर पास्ट टेंस में आ जाए तो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच वो उसमें टेंस में चेंजेस आएगा ठीक है तो टेंस में चेंजेस कब आएगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो ठीक है तो देखिए क्या क्या चेंजेस आता है रिपोर्टिंग स्पीच में अगर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो उसका जो इनडायरेक्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा ठीक है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहे तो पास्ट कंटिन्यूस में रहेगा हमेशा याद रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी ले जाएंगे तो वो हमेशा उसको और पास्ट में ले जाते हैं हम लोग ठीक है सिंपल प्रजेंट था तो उसको पास्ट में ले गए सिंपल पास्ट में प्रजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे अगर प्रजेंट परफेक्ट है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे अगर प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे अगर पास्ट परफेक्ट है पहले से डायरेक्ट में तो फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे नो चेंज और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी रहे डायरेक्ट में तो भी आप उसका कोई भी चेंज नहीं करेंगे ठीक है फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग डायरेक्ट से जब हम लोग इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो ये सब टेंस किसमें चेंज होता है देखिए सिंपल प्रेजेंट अगर रहे डायरेक्ट में तो उसको सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर सिंपल पास्ट आ जाए डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट अगर डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में जाते समय इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है बहुत ज्यादा पास्ट है इससे पास्ट आप नहीं कर सकते ठीक है उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक लास्ट पास्ट है इसको आप और पास्ट नहीं कर सकते इसलिए इनडायरेक्ट में ले जाते समय इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है ठीक है देखिए आगे तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में ले जाया जाता है तो टेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं ठीक है जो आप लोग अभी बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं अब हम लोग नोट वाली कुछ बातें उसको हम लोग देख लेते हैं तो नोट में क्या है कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते वक्त चेंज किया जाता है और चेंज करना कंपलसरी है ठीक है आइए तो सेल है अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो आप क्या कीजिएगा जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो सेल का शूट हो जाएगा विल आए तो वुड हो जाएगा मैं आए अगर डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा कैन आए तो कुड हो जाएगा ठीक है एक बार और रिपीट कर देता हूं सेल आए तो सुड हो जाएगा अगर डायरेक्ट में विल आए तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा डायरेक्ट में मैं आए तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा और अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कैन आ जाए तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त उसे कुड कर देंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा इतना तक तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा ठीक है यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते वक्त इन्वर्टेड कॉमा का चेंज कैसे होता है किसमें होता है ठीक है और हम लोगों ने क्या देखा कि चेंज ऑफ टेंस ठीक है टेंस में चेंज क्या देखा अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर में तो नो no चेंज होता है ठीक है और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में आ जाए तो उसमें आप लोगों ने देखा कि टेंस किस तरह चेंज होता है ठीक है इन सब पॉइंट को आप लोगों ने देख चुका है ठीक है इन सब पॉइंट को आप लोगों अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके चलिए तो आप यहां तक रखते हैं आज मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट थर्ड में ओके थैंक यू